हेलो माय डियर क्लास फोर्थ वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर हाफ ईयरली सिलेबस नाउ वी विल डू रिवीजन रिवीजन ऑफ चैप्टर वन फूड बी ईट खाना जो हम खाते हैं देखो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपकी तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं ओके पुट द फूड्स इन द करेक्ट कैटेगरीज गिव इन बिलो हे आर आर सम फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स यू कैन सी फूड आइटम्स दैट नीड टू बी कुकड पल्स एंड वीट फूड आइटम्स दैट कैन भी इटेन आफ्टर कुकिंग फिश एंड चिकन फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटेन रॉक कोकुम्बर एंड कैरेट फूड आइटम्स ऑप्टेन फ्राम प्लान हेयर विल कम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड नेक्स्ट कैटेगरी फूड आइटम्स ऑप्टेन फ्राम एनिमल्स हेयर एग एंड मिल्क अब देखो बच्चों हम चैप्टर को अब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आपका इंसाइड भी आएगा ना इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों की फूड इज एसेंशियल फॉर द बॉडी बिकॉज इट गिवस अस एनर्जी हमें एनर्जी मिलता है जो हम खाना खाते हैं ग्रो हमारी हाइट जो ग्रोथ होती है वो होती है उससे और डिसीजेज जितनी बीमारियाँ होती हैं वो सारी दूर होती हैं और हम हेल्दी रहते हैं है ना लिखा हुआ है चिल्ड्रन डोंट ईट एडिकुट फूड फॉल सिक जो बच्चे पूरा अपना खाना नहीं खाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं ओके okay? और द फूड यू ईट कंटेंट्स यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स तो बच्चों जो अपना प्रचुर मात्रा में सारा खाना खाते हैं और जो खाने में हमें पूरी पौष्टिकता देते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व कहते हैं अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बच्चों देखो यहाँ पे है प्रोटीन्स टू ग्रो पहला प्रोटीन आता है प्रोटीन से हमारी जो ग्रोथ होती है हर चीज़ की हमारी सेल्स वगैरह सब डेवलप हो जाती हैं रिपेयर हो जाती है ओके जो डैमेज सेल होती हैं वो भी रिकवर हो जाते हैं है ना तो ये हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हेयर आर सम न्यूट्रिएंट्स लाइक मिल्क चीज़ नट्स पल्स एंड फिश ओके नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी तो बच्चों शुगर और स्टार्च जो होता है वो पूरे कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें ये हमारे काम करने खेलने के लिए और स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और जो फिजिकल लेबर होता है ना मजदूर उसको तो कुछ ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है फैट्स लिखा हुआ है फैट्स फ्रॉम एनर्जी एंड वार्म तो जो ये फैट्स होता है हमारा बसा जो होता है हिंदी में इसको बसा बोलते हैं जो हमें ताकत देता है और हमारी बॉडी को गर्म रखता है तो बच्चों ये जो फैट्स होता है हमारी बॉडी के लिए हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमें जो है एटलीस्ट दिन में टू टाइम्स तो फैट्स के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना ही चाहिए लिखा हुआ है ना फैट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन दैम इज़ यूज वैन द बॉडी डजेंट गेट एन अ फूड टूट जब हम प्रचुर मात्रा में खाना नहीं खा पाते हैं बच्चों तो ये जो फैट्स है यही हमारी उस मात्रा को पूरा करता है उस ज़रूरत को पूरा करता है ओके okay. और जिसमें ऑयल है बटर है घी आपके मम्मी डैडी भी आपको ज़्यादा खाने में घी वगैरह देते हैं ताकि वो हमारी प्रचुर मात्रा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पहुंच पहुँच सके ठीक है आगे सब लिखा हुआ है वाइटामिन एंड मिनरल्स फॉर गुड हेल्थ कुछ वाइटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं पौष्टिक तत्व जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं ठीक है थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें उसे लेना स्टार्ट कर देना चाहिए है ना ताकि हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएट्स थी हमारे प्रोट रक्षात्मक पौष्टिक तत्व कहे जाते हैं ये वाइटामिन और मिनरल्स इसमें आते हैं वाइटामिन में क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए तो कुछ जैसे कि कैरेट वगैरह स्पनिश वगैरह पीज ऑरेंज आंवला तो वाइटामिन ए में जैसे हमारी स्किन वगैरह के लिए अच्छा रहता है है ना फिर भी वाइटामिन सी में आता है जो हमारे गम्स को हेल्दी रखता है तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स आ गए वेजिटेबल्स फिश एग्स हैं मिल्क हैं ये सारे हमारे वाइटामिन सोर्सेज हैं हमें इनको लेना ही चाहिए और खाना ही चाहिए है हमारी बॉडी के लिए नेक्स्ट है आयरन इज अनदर एस एंड मिनरल नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड और जो हमारा ब्लड बनाने के लिए आयरन खाना बहुत जरूरी होता है यानी आयरन जिसमें प्रचुर मात्रा में हो हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जैसे लिखा हुआ है स्पनेश वगैरह हरी सब्जियाँ हो गई कहते हैं ना आपके घर पे पेरेंट्स को हरी सब्जियाँ खाओ है ना ठीक है पानी भी हमें प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए अब फ्रिज में आता है बच्चों कि जो हम खाना खाते हैं ना जैसे रफेज़ की कोई जरूर ऐसे हमें इतना ज़रूरत नहीं है ये कि जो हम खाना खा रहे हैं हमारा जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसकी ज़रूरत के लिए ये जो रफेज़ वाली चीज़ आ रही है वो यूज़ होती है यानी कि जैसे कि हमने फ्रेश फ्रूट्स खा लिए ग्रेन्स खाए वेजिटेबल्स खाए सैलेड खाते हैं ताकि जो हमारे वेस्ट मटीरियल है वो हमारा निकल सके बाहर ठीक है ना उसको रिमूव करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है अब आता है कि वाटर हमें बच्चों दिन में आपको सबको पता है कि आठ से दस ग्लास पानी पीना चाहिए है ना लिखा हुआ है टू थर्ड टाइप मतलब पार्ट ऑफ वाटर वी हैव टू यूज तो यह सारे सभी को जीने के लिए पता है कि पानी की जरूरत होती है वाटर वाटर इज इज हैेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू स्टे लाइफ योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर बिकॉज आप किस बॉडी को पानी की जरूरत क्यों होती है वाई वाई वाटर इज असेंशियल पहला है वाटर इज असेंशियल फॉर डाइजेस्टिव फूड अंडरस्टूड वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बटर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ओके आगे आता है बैलेंस डाइट वाट इज बैलेंस डाइट बच्चों इसलिए होता है देखो कि डाइटेन्सउंट ऑफ ऑलोंग विद क्वानिटीज ऑफ एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट जिसमें यानी कि ऐसा संपूर्ण खाना है जिसमें सारी मात्रा में पौष्टिक तत्व मौजूद हों ठीक है ना तो वो एक बैलेंस डाइट कही जाती है यहाँ पे जो फूड पिरामिड बना हुआ बच्चों ये आपका बैलेंस डाइट में आता है और देखिए थाली में भी सब कुछ मिला हुआ है अब है ना नेक्स्ट है कि इस पिरामिड में क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स आर शोन आठ द बॉटम ऑफ पिरामिड सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो उसमें है ना फ्रूट्स हों वेजिटेबल्स हों और प्लीज उसमें फैट्स भी हो शुगर भी सब चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए तो बच्चों आपको पता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स डोंट नीड द सेम अमाउंट ऑफ फूड यानी जितने भी जिंदा हम व्यक्ति हैं ह्यूमन ंग्स सबको इक्वल मात्रा में इक्वल अमाउंट में खाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जब आप लोग छोटे हो तो वेन यू आर यंग यू नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटीन्स टू ग्रो वेल अंडरस्टूड ए लेबर हु डज फिजिकल वर्क नीड्स एनर्जी ऑल्सो ही शुड ईट मोर ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स ओके ओल्डर पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव एंड नीड्स लेस एनर्जी रिमेंबर स्टूडेंट्स फूड इज डीस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड Serve yourself only with that much food that you can and your body needs. Understood? Never leave food uneaten on your plate. Okay. Uh, I hope students, you all understood this chapter. Inside, many things will come in your half yearly exam. For that, I have revised you this chapter. Till then, take care. Have a nice day.